हेलो एवरीवन, हमने प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 2, वो है स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें हमने बाइनोमियल के बारे में बात की थी फर्स्ट, राइट। उसके अंदर क्या क्या है हमें याद रखना है, तो सिंपल ये है, उसका समेशन आप करो, ओके, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। तो ये याद रखना है, और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। उसके बाद मैंने बोला था ये एक चीज़, पी प्लस क्यू क्या आता है, 1, एंड देन मीन क्या आएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एन पी, एंड जो वेरिएंस है वो आएगा एन पी क्यू। इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। तो हमने और दो एग्जांपल भी देखे थे ये फार्मूला के बेस पे ही। आज को मैं और एक जो एग्जांपल बताऊंगा, सो ज़्यादातर वो एग्ज़ाम में आते हैं वैसे। तो देखो, ये एक एग्ज़ाम्पल है, उसमें क्या है, अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चन विथ 3 आंसर टू ईच क्वेश्चन ऑफ विच ओनली 1 करेक्ट। उसका मतलब क्या है कि मल्टीपल चॉइस टेस्ट जो है उसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन है, 3, और उसमें से कोई एक करेक्ट होगा, राइट। चलो, अ स्टूडेंट आंसर ईच क्वेश्चन बाय रोलिंग अ बैलेंस्ड डाइस एंड चेकिंग द फर्स्ट आंसर इफ ही गेट 1 or 2, द सेकेंड आंसर इफ ही गेट 3 or 4, एंड द थर्ड आंसर इफ ही गेट 5 or 6, ओके। इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे पढ़ो, टू गेट अ डिस्टिंक्शन द स्टूडेंट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 75%। स्टूडेंट जो है उसको एटलीस्ट कितने आने चाहिए, 75% आने चाहिए, ये बात याद रखना है, ओके। इफ देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिक्योर अ डिस्टिंक्शन। सो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, कि स्टूडेंट का जो है डिस्टिंक्शन आए उसकी कितनी है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जो डेटा दिया है वो हम लिखेंगे। सो देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास, 8 है। सो एन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और उसमें से हर एक में 3 आंसर है, उसमें से एक करेक्ट होगा। सो सक्सेस होने की, मतलब करेक्ट होने की डिस्टिंक्शन लाना है तो आंसर करेक्ट होंगे तभी आएगा। सो करेक्ट होने की जो है प्रोबेबिलिटी, उसको बोलेंगे करेक्ट आंसर आया उसको बोलेंगे हम सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब उसको हम डिनोटेट करते हैं पी से, वो क्या आएगा, 1/3, क्योंकि 3 में से एक ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। तो करेक्ट होने की जो फेवरेबल इवेंट है वो 1 आएंगी, और टोटल जो नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 3। सो 1/3 आंसर आएगा। सो हमें पता है पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो P इक्वल टू 1/3 रखोगे तो Q हमें मिल जाएगा, Q क्या मिलेगा हमें, 2/3। अब देखो यहाँ पे कि 75% एटलीस्ट चाहिए ना, यहाँ पे डिस्टिंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, 75 तो चाहिए ही, 75 के ऊपर आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिनिमम हमें 75 चाहिए। तो 75% कब आएंगे, कितने क्वेश्चन राइट हो गए तो आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.75 × 8 करेंगे, ये 75% है ना, तो 75/100 करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। तो 0.75 × क्या करेंगे, 8, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 8। सो हमें क्या मिलेगा, जो भी आंसर मिलेगा उतने तो आंसर हमारा करेक्ट होने ही चाहिए, राइट। देखो यहाँ पे है, सो टू गेट एटलीस्ट 75 करेक्ट आंसर, एटलीस्ट 8 × 0.75 मतलब 6। सो मिनिमम 8 में से हमारे 6 आंसर जो है वो करेक्ट होने चाहिए, तब हमें कितने परसेंटेज आएंगे, 75, यानी डिस्टिंक्शन। 6 के अलावा 7 करेक्ट हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 करेक्ट हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आएंगे तो 75 के अबव हो, गेट इट। सो डिस्टिंक्शन आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आंसर 6 या 6 से अबव करेक्ट होने चाहिए, मिनिमम 6 तो चाहिए ही, ओके। सो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, दैट इज 6, 7 और 8 आंसर शुड बी करेक्ट,
तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, पी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 6, क्या रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है एक्स वो 6 या 6 से अबव होनी चाहिए। तो ये हमारे पास है फॉर्मूला, एक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 एंड 6 से अबव, तो यहाँ पे क्या लिखा है 6। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे ये नोटेशन दिया है बी ऑफ एक्स सेमीकोलन एन पी। तो यहाँ पे उनका इक्वेशन हमें पता है क्या है, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, राइट। सो हम क्या करेंगे 6 के लिए, अभी एक्स इक्वल टू 6 टू क्या आएगा, अभी 8 है यहाँ पे, राइट, इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 8 ही है, तो 8 तक जाएंगे। तो पहले एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं 6, तो पी की एन क्यू की वैल्यू तो हमको पता है, पी क्या है हमारा 1/3 एंड क्यू क्या है हमारा 2/3, राइट। सो इसमें हम एक्स इक्वल टू हम क्या रखेंगे 6, तो यहाँ पे क्या है कि एन टोटल कितने हैं हमारे पास 8, तो 8 से 6 यहाँ पे 1/3 रेस टू 6 आएगा, और यहाँ पे 2/3 रेस टू n-6 मतलब 8-6 तो क्या आएगा 2 आएगा। सिमिलरली ये समेशन की साइन है तो क्या होगा प्लस, और उसके बाद एक्स की जगह पर क्या रखो 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 8c7, ये 1/3 2/3, तो पी एन क्यू तो सेम ही रहेगा लेकिन पावर ही चेंज होगा, यहाँ पे जो होगा वो एक्स मतलब 7 और 8-7 1 हो जाएगा। सिमिलरली प्लस क्या रखो एक्स की जगह पे अभी 8 रखो तो ये आ जाएगा। सो ये केस में हमारा डिस्टिंक्शन आएगा 6 करेक्ट हो 7 या 8, तो यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी किसकी ग्रेटर और इक्वल टू 6 आए उसकी, राइट। सो इनको सॉल्व करो तो ये आंसर आ जाएगा आराम से, राइट, ये आप कैलकुलेटर में आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये 8c6 8c7 8c8 जो है वो आप फॉर्मूला में भी रख सकते हो, हमने यूनिट नंबर 1 में देखा था, या तो हमारा जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है उसमें इनबिल्ट फंक्शन आता ही है, तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं, राइट। सो एक बार चेक कर लीजिएगा। सो इम्पोर्टेंट क्या है, ये किस तरह से हमें इक्वेशन को बिल्डअप करना है, सो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, राइट। सो देखो यहाँ पे है ना, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज भी कर रहा है कि ये बैलेंस डाइस को चेक करना है, ये करना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है हमें, बस इनकी, तो जो चाहिए वो हमने फाइंड कर दिया, ठीक। सो ऐसा ही हम और कोई एग्जांपल हो तो वो हम देखेंगे। देखो ये है, ये भी 16 में आया हुआ एग्जांपल है। एज्यूम डेट ऑन द एवरेज 1 टेलीफोन नंबर आउट ऑफ 15 कॉल्ड बिटवीन 1 PM एंड 2 PM ऑन अ वीक डेज इज बिजी। सो 1 से 2 के बीच में आप कॉल करो वीक डेज के अंदर, तो 15 में से एवरेज आप निकालो तो एक टेलीफोन नंबर जो है वो क्या आता है, बिजी आता है। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो थोड़ी बहुत दी होती है ना एक्स्ट्रा, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती है, राइट। चलो ये बात तो समझ में आ गई, अब क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इफ 6 रैंडमली सिलेक्टेड टेलीफोन नंबर्स आर कॉल्ड। तो हमें 6 रैंडमली जो है सिलेक्टेड टेलीफोन नंबर को कॉल करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है वो तो यहाँ पे 1 एंड 2 केस दिया है, समझ में आ रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। सो यहाँ पे जो डेटा दिया है वो हम पहले देखेंगे। सो टोटल जो है यहाँ पे बिजी आए वो सक्सेस हो गया है, एक बार याद रखना, यानी सो यहाँ पे हम रैंडमली 6 नंबर को कॉल करते हैं, सो वो बिजी आए तो वो सक्सेस, क्योंकि हमारे पास डेटा क्या दिया है, एवरेज 1 नंबर टेलीफोन नंबर बिजी आता है 15 में से, राइट। सो बिजी आए मतलब वो सक्सेस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/15, तो 15 में से कोई एक बिजी आएगा, राइट, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी 1/15। तो यहाँ से हमें क्यू मिल जाएगा 1-p 14/15 आएगा, और यहाँ पे हम कितने टेलीफोन नंबर को कॉल कर रहे हैं 6, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, गेटिंग। सो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आती है ना कि भाई पास हो या फेल हो या ऐसा कोई बिजी आए या कुछ ए हो, तो पॉसिबिलिटी आती है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करता ही है,
मोस्टली राइट। सो यहाँ पे पहले भी लिखा है देखो, इट इज़ द केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता होना चाहिए, सिलेक्ट यही पहले डिसाइड करना है कि ये कौन सी मेथड का एग्जांपल आया है राइट। पता चला सो 15 में से कोई एक बिजी आता है एवरेज। सो बिजी आए मतलब हमारा सक्सेस, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं पी। तो यहाँ पे लिखा भी है लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट द टेलीफोन नंबर इज़ बिजी। टेलीफोन नंबर बिजी है उसकी, तो वो क्या होता है 15 में से कोई एक बिजी आता है, तो 1/15, तो उस पर से क्यू मिल जाएगा, क्योंकि पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या आता है 1 आता है। और हमें क्या करना है यहाँ पे 6 नंबर को कॉल करना है, तो एन इक्वल टू क्या लेंगे हम 6। तो पहली किसकी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, देखो नॉट मोर देन 3, यानी कि नॉट मोर देन 3। सो यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 रैंडमली सिलेक्टेड टेलीफोन नंबर्स आर कॉल। ओके, तो मोर देन 3 को नहीं करना है, मतलब 1, 0, 1, 2 या 3 बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 3। सो एक्स की वैल्यू जो है स्मॉल एक्स की वैल्यू वो 0, 1, 2, 3 आएगी राइट। सो ये इक्वेशन आएगा। सो इसकी जगह पर क्या रखना है वो तो हमें पता है, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स समेसन एक्स इक्वल टू 0 to 3। तो एक्स की वैल्यू पहले 0 रखो देन 1 रखो, समझ में आ रहा है। देखो ये है, पहले उसको एक्स की वैल्यू 0 रखो तो ये आएगा, और एन हमारा क्या है 6, देन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 रखो, पी एन क्यू की भी रखनी है हमें, एंड एक्स इक्वल टू 3 रखो, सभी का ये आंसर फाइंड करो। ओके, और आप देखना बुक के अंदर मैं आपको सेंड करूँगा टेबल आता है, सभी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना स्पेशल उसका सभी का टेबल दिया है, वो टेबल में से भी आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से लिख सकते हो। ओके, बाय यूजिंग टेबल वी कैन राइट द वैल्यू डायरेक्टली, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं गेटिंग। सो ये आंसर आ गया हमारा, इजी है, कैलकुलेटर में आप इजीली कर सकते हो। बहुत बड़ा मतलब डेटा दिया हो ना तब जाके टेबल का यूज़ करना पड़ता है। अब देखो दूसरा क्या है क्वेश्चन सेकंड, एटलीस्ट 3 ऑफ देम वुड बी बिजी। तो यहाँ पे पहला क्या देखा, नॉट मोर देन 3 से ज़्यादा बिजी नहीं होंगे, और यहाँ पे क्या है एटलीस्ट 3 ऑफ देम वुड बी बिजी, एटले ओछा में ओछा तो एटलीस्ट 3 मीन्स कम से कम 3। सो 3 तो आएगा ही, 4, 5 एंड 6 इतनी पॉसिबिलिटी होगी। तो x की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी और 6 पे ख़त्म हो जाएगी, तो हमें ये लेना है। या तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, समेसन x स्टार्ट फ्रॉम 3 to 6 भी कर सकते हैं, या तो दूसरी के एटलीस्ट 3 तो 1 एंड 2 तो नहीं आएगा, तो इनका हम फाइंड करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको 1 में से इनको क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों केस से आप फाइंड कर सकते हो, एटलीस्ट 2 बिजी होना चाहिए, सॉरी एटलीस्ट 3, तो आप क्या करो 3, 4, 5, 6 की फाइंड कर दो तब भी आंसर आ जाएगा, या तो 1 एंड 2 की करके वो करो। तो देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको ये, ओके एक्स 0 से स्टार्ट होता है, सो देखो ये क्या है एटलीस्ट 3 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू क्या आती है 3 आती है राइट। तो उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि 3, 4, 5, 6 की आप करो और एडिशन करो तो भी आंसर आ जाएगा आपका 0.0051, या तो क्या करो 1 माइनस जो बाकी है वो, सो 1 माइनस यहाँ पे क्या लिखा देखो, समेसन x टेंस टू 0 टू कहाँ तक जाना है 2 तक, 3 या 3 से अबव तो बिजी होगा, तो बिजी नहीं होगा, बिजी होगा एंड नॉट बिजी इक्वल टू आंसर क्या आता है 1। तो हम ये डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं कि नॉट बिजी को राइट साइड ले लो, तो बिजी इक्वल टू 1 माइनस नॉट बिजी कर देंगे तब भी आ जाएगा। सो ये जो है वो क्या है बिजी नहीं होगे, ये है 1 माइनस ये केस में बिजी नहीं होंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो किसका मिलेगा बिजी होगे एटलीस्ट 3, पता चला।
तो x इक्वल टू पहले 0 रखो तो ये आएगा, प्लस 1 रखो x इक्वल टू, किसके अंदर रखना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन क्या आएगा यहाँ पे, इनकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। सो एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, तो ये आएगा। सो जो भी आंसर ये ब्रैकेट का आएगा उसको 1 में से सबट्रैक्ट कर दो तो आंसर हमारा आ जाएगा, क्लियरिंग। सो एक्चुअली इजी एग्जांपल है, ऐसा कोई एग्जांपल हो तो मैं आपको और बताता हूँ अभी, ये तो हमने देखा ही है, ये दोनों एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे, जो एग्जाम में आए हुए हैं वही मैं आपको बताता हूँ। ओके और कोई दिखाई दे रहा है, ओके ये है, देखो एग्जाम्पल नंबर 5। इफ 3 ऑफ 12 कार ड्राइवर डू नॉट कैरी ड्राइविंग लाइसेंस, सो 12 कार ड्राइवर में से जो 3 कार ड्राइवर है ना वो लाइसेंस को कैरी नहीं करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर हु रैंडमली चेक 3 कार ड्राइवर्स विल कैच, राइट। तो उसकी करनी है कि कोई भी एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर रैंडमली चेक करेगा 3 कार ड्राइवर्स को, राइट, और उसकी हमें फाइन करनी है, ये कंडीशन दी है 1 एंड 2। तो यहाँ पे डेटा क्या दिया हुआ है, देखो कि 12 में से 3 के पास ड्राइविंग लाइसेंस वो कैरी करते ही नहीं है, तो कैरी नहीं करते हैं और वो पकड़े जाते हैं, वो एक सक्सेस हो गया हमारे लिए, गेटिंग। तो टोटल कितने हैं 12, उसमें से 3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइवर्स दैट डू नॉट कैरी द ड्राइविंग लाइसेंस वो क्या आएगा, पी, के 3 नहीं कर रहे हैं ना तो 3 बाई क्या आएगा, टोटल 12। सो वो पी क्या है, 3 बाई 4 12, तो हम लिख सकते हैं 3 कैंसिल होता है तो 1 बाई 4। सो पी प्लस क्यू क्या आता है, 1 आता है, पी की वैल्यू डालो तो क्यू मिल जाएगा, क्यू क्या मिलेगा हमें, 3 बाई 4। और यहाँ पे टोटल कितने ड्राइवर, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेट अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ रैंडमली चेक, तो 3 कार ड्राइवर, 3 कार ड्राइवर को रैंडमली चेक, तो एन इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 3। सो ऊपर की कंडीशन दी है वहाँ से हमें पी एन क्यू मिल गया, जो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है वहाँ से हमें क्या मिल जाता है, एन मिल जाता है, स्मॉल एन। कितने ड्राइवर रैंडमली चेक कर रहे हैं, तो 3 को, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, एंड टोटल 12 में से 3 कैरी नहीं कर रहे हैं, तो 3 बाई 12 क्या हो जाएगा हमारा, पी, जो कैरी नहीं कर रहा है लाइसेंस वो हमारे लिए सक्सेस। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर 1, 1 फॉर नॉट कैरिंग ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, 3 को इंस्पेक्ट कर रहे हैं वो, इंस्पेक्टर चेक कर रहे हैं, और उसमें से एक एक ड्राइवर कैरी नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सिंपल से हमें मिल जाएगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे, 1। तो हमारे पास पता है यहाँ पे एक की, तो समेशन में तो आएगा नहीं क्योंकि मोर देन 1 टर्म आती है तो हम समेशन करते हैं, यहाँ पे एक ही टर्म आई है तो यही डायरेक्ट लिख देंगे, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी एक ही पर्सन, तो ये एन तो 3 है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, एक्स की वैल्यू मोर देन 1 आती है तो हम समेशन लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे, ये फॉर्मूला में एन इक्वल टू क्या रखेंगे, 3, एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे, एंड यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ पे 3 माइनस 1 तो 2 आएगा, तो देखो 3c1 देन 1 बाई 4 रेस टू 1 3 बाई 4 रेस टू 2, तो ये आ गया पहला आंसर, बहुत ईजी। अब दूसरा आंसर क्या है, एटलीस्ट 2 फॉर नॉट कैरिंग ड्राइविंग लाइसेंस, एटलीस्ट 2 मीन्स मिनिमम 2, कम से कम 2, सो टोटल कितने हैं, 3 है, सो 2 भी आ सकता है, एटलीस्ट 2 है तो मिनिमम 2 ना, तो 2 से ज़्यादा भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो यहाँ से भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, गेटिंग। ये 2 एक्स इक्वल टू 2 रखो इक्वेशन, प्लस एक्स इक्वल टू 3 रखो, एडिशन करो तभी हमारा आंसर मिलेगा डायरेक्ट, या तो 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कौन कैरी नहीं करेगा, एटलीस्ट 2 है तो 1 आएगा 0 एंड 1 के लिए, तो वो कर दो तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे यही लिखा है, दोनों केस में सेम प्रोबेबिलिटी फॉर कैचिंग एटलीस्ट, तो क्या आएगा,
वन माइनस क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल सॉरी लेस देन टू आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा राइट, टू या टू से ज़्यादा तो टू एंड थ्री आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या लेना है हमें, लेस देन टू मतलब जीरो एंड वन। सो वन माइनस क्या करेंगे ये टर्म आएगी। सो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक्स इक्वल टू पहले क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, प्लस एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे वन, उसको वन में से क्या कर देंगे सबट्रैक्ट। पता चला इस तरीके से भी आंसर आता है, या तो आप क्या करो एटलीस्ट टू ना, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो ना, समेसन ऑफ एन सी आर एक्स रेस टू पी सॉरी क्यू रेस टू एक्स पी रेस टू एक्स एंड क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। तो यहाँ पे एटलीस्ट टू, तो टू या टू से ज़्यादा तो कितने हैं थ्री है ना टोटल। सो यहाँ पे हम एक्स इक्वल टू पहले क्या रखेंगे टू रखेंगे और बाकी की वैल्यू तो है ही, प्लस एक्स इक्वल टू थ्री रखेंगे यही इक्वेशन में ऐड करेंगे, तब भी हमारा आंसर ये 0.156 आ जाएगा। सो आप दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ऐसा है नहीं कि ये बुक में दिया है वन माइनस करके करना है बस। तो ये कैच हो जाए एटलीस्ट दो, तो ये क्या किया हमने, वन माइनस जो कैच नहीं होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। तो जो आंसर मिलेगा वो किसका मिलेगा, एटलीस्ट टू ड्राइवर जो है पकड़े जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो वन माइनस पकड़े नहीं जाएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी करो तो मिलेगी क्या, पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी राइट। सो ऐसा हमने और एक एग्जांपल भी किया ही है पहले। सब दो तरीके से मतलब दोनों में से कोई एक तरीके से आप एग्जांपल कर सकते हो। सो हमने एटलीस्ट 4 to 5 एग्जांपल देखे हैं बाइनोमियल के बेस पे राइट। ऐसा आपको पता चलेगा कि ये एग्जांपल जो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है और यूज़ करना ईजी है लेकिन डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइजन यूज़ करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कैसे एग्जांपल को कैलकुलेट करना है वो हम देखेंगे।